everyone, welcome back over here. If you're coming here for the first time, then hit the subscribe button and also connect with me on Instagram. अगर आपकी कोई भी queries है तो मुझे DM करो, मैं जरूर answer करूँगी. और ये video जो है मैं specially इसके लिए बना रही हूँ क्योंकि हर रोज जो है एक ना एक तो मैसेज कंपल्सरी आना ही है ये पूछने के लिए कि SpiceJet जो है कब हायर करेंगे, कब उनकी वैकेंसीज वगैरह है. तो इसमें जो मैं स्टार्ट टू एंड जो है पूरी स्टोरी बता दूंगी और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जो बहुत है अभी जो ज्वाइनिंग डेट के लिए अभी रुके हुए हैं, तो पूरा सीन पूरी स्टोरी कैसे हो मैं आपको बताती हूँ. स्पेशली मैं अगर किसी एयरलाइन की एम्प्लॉई हूँ तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता है, बट ऐसे नहीं है. अगर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई है तो हमें भी नहीं पता होती, चाहे मैं कोई भी कंपनी के लिए काम करती रहूँगी. ठीक है, तो अब ऐसे हुआ कि जो भी कैंडिडेट्स थे, जिन लोगों ने कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ दिए थे, उन लोगों ने इंटरव्यूज़ दे दिए, उन लोगों का मेडिकल भी क्लियर हो गया, बस सिर्फ ज्वाइनिंग डेट उन लोगों को नहीं मिली. ठीक है, और कुछ लोग अक्टूबर नवंबर से लेके मतलब 9 या 10 महीने तक के, ऑलमोस्ट 9 महीने तक मैक्सिमम लोगों ने वेट किया. और लोग मुझे पूछने लग गए कि क्यों नहीं कॉल कर रहे, चार सब पूछने लग गए और वो लोग मुझे ईमेल दिखा रहे थे. तो मैंने कहा देखो भाई, आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई एम जस्ट अ क्रू, मैं क्या बता सकती हूँ, आप HR को ही कॉन्टैक्ट करो. तो कहते हैं कि HR ने बोला है कि यू नीड टू वेट. तो मैंने कहा कि देखो अभी वेट करने से अच्छा आपके पास ये ऑप्शन है कि कहीं और एयरलाइन में आप अप्लाई करो, ताकि जो है बीच में जो है आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं हो, एटलीस्ट कहीं और काम कर लो यहाँ पे जब तक के ज्वाइनिंग डेट नहीं आ जाती. तो अभी उसी बीच में वो चक्कर में बहुत से लोगों ने ऑलरेडी उनकी जॉब से रेजिग्नेशन दे दी थी. ठीक है, आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर सिचुएशन, जो भी, बट उससे भी बुरी सिचुएशन में थे जेड एयरवेज के एम्प्लॉयज, बताती हूँ कैसे. और इस तरीके से कुछ जो है वैकेंसीज ड्रॉप हो गई SpiceJet में. अभी जैसे हर महीना जो है हमारे एयरक्राफ्ट आ ही जा रहे थे, काफ़ी एयरक्राफ्ट आते जा रहे हैं, हाँ, उस हिसाब से उतने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि अगर एक एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसमें 4 crore की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है यहाँ से वहाँ अलग अलग जगह जाता रहेगा. प्लस अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंड में रुका हुआ है तो एयरक्राफ्ट का सिक्योरिटी चेक करने के लिए ग्राउंड स्टाफ, कमर्शियल, जितनी ज़्यादा फ्लीट रहेगी उतने ज़्यादा एयरलाइन के डिपार्चर, उतनी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. इस हिसाब से तो काफ़ी सारी हायरिंग मास रिक्रूटमेंट चल रहा था SpiceJet में. अराउंड कुछ आई कैन से 2018 जुलाई से लेके अक्टूबर तक के जो है हायरिंग होती जा रही थी, नवंबर दिसंबर फरवरी तक के चलती रही हायरिंग. उसके बाद में जो है फ्रेशर्स की हायरिंग एकदम स्टॉप हो गई, क्योंकि जो है मार्च के महीने में जेट एयरवेज जो है वो बंद हो गई टेम्परेरीली. होप अगर चालू हो जाए तो जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको मिल जाए जॉब. तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि SpiceJet में फ्रेशर्स की रिक्रूटमेंट जो है बंद हो गई, क्योंकि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा था वो लोगों के लिए जो कि जिनकी जॉब चली गई है. इंटरव्यूज रखे गए बट सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए, वो भी सिर्फ जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस दी जा रही थी, क्योंकि एटलीस्ट उन लोग की जॉब चली गई तो उन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए. अब मुझे मैसेज में बहुत हेट कमेंट आ रहे थे, मुझे मैसेज में लोग ये सब बोल रहे थे कि ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों को इंटरव्यू देने लगवाया, हम लोगों को ऑफर लेटर देने लगवाया, हमारे मेडिकल के पैसे चले गए. आई फील बैड कि आपके मेडिकल के पैसे चले गए, बट जब तक कि आपको कोई ज्वाइनिंग डेट या ऑफर लेटर नहीं दिया जाता कंपनी से, आप तब तक के कन्फर्म नहीं है कि आपको जॉब की ऑफर दी गई है. मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, एक ऑफर लेटर होता है. ऑफर मीन्स जस्ट एन ऑफर. अपॉइंटमेंट लेटर मेरे को खुद जो है कंपनी में मुझे 6 महीने बाद मिला, जब मैं कन्फर्म हो गई कंपनी में तब. ठीक है, तो अगर आपने जॉब, आपकी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ दिया है तो सॉरी टू से, बट आपको नहीं करना चाहिए था. आपको यू शुड थिंक, एक जॉब से रिजाइन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. आप मैं भी आपको पता नहीं था, मैं भी आपको लगा कि चलो अभी अच्छी जगह जॉब मिल गई है. एक आप शायद अगर नोटिस पीरियड पे होते हो तो आप नोटिस पीरियड को रिवोक भी करा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली बाबा जॉब मिल गई, ईमेल आ गया कि अरे यार मेडिकल क्लियर हो गया जॉब छोड़ दो, देन आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपकी फॉल्ट है वो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, ये बताना था क्योंकि सॉरी बट मुझे बहुत सारे हेट कॉमेंट आते हैं मेरी एयरलाइन के बारे में, ऐसे वैसे बोल रहे थे. मैं अगर जो चीज़ गलत नहीं है वो क्यों उसको सपोर्ट करूँ. सेकेंड चीज़, ये आप लोग जो इंटरव्यू दिए फ्रेशर्स लोग, मेजॉरिटी जिन लोगों को कॉल नहीं आई, जो लोग अभी तक के वेट कर रहे हैं, तो उसमें से फ्रेशर्स को मैं ये कहूँ कि आपकी उम्र है 18-19 साल. जेट एयरवेज के एम्प्लॉय जिनको जॉब के लिए प्रेफरेंस दी जा रही है उनकी उम्र है 35 years, 40 years.
उन लोगों के पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल के नीचे तो मैंने कोई एक्सपीरियंस वाले से मिली नहीं थी अब तक के, तो वो लोग का 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी सैलरी के हिसाब से उन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं, ईएमआई कितने लोगों के, तो होम लोन भी है, सोचो अगर उन लोगों ने पैसे नहीं भरे तो उनका घर जा सकता है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि मेरी सैलरी इतनी है तो मैं इस हिसाब से लोन लूँ या ईएमआई लूँ या जो भी करूँ, प्लस मोस्टली उनमें से लोग मैरिड थे तो फैमिली वगैरह जो भी, आप लोग फ्रेशर्स हो, आपके पास में, आप सिर्फ 19 या 20 साल के हो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास बहुत लंबी टाइम पड़ी हुई है जॉब ढूंढने की, अनफॉर्चुनेटली जेट एयरवेज के एम्प्लॉय के पास में इतना मौका नहीं बचा हुआ है, तो एटलीस्ट अगर कोई एयरलाइन अगर उनको प्रेफरेंस दे रही है तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, ना कि लोगों को मैसेज करके कि बाबा ऐसा कैसा कर सकते हैं ये वो, आप कहीं और ट्राई करो तब तक के, ओके आई फील सैड फॉर यू ऑल्सो। लास्ट थिंग जो है ये है कि कुछ लोग जो है इतने इम्पेशेंट है कि रुकने के लिए रेडी भी नहीं है, अगर एचआर ने कहा है कि डेट मई के महीने की है तो एक महीना पहले ही कॉल करने लग जा रहे हैं, गाइस डेट तक के रुको, तो चलो अगर वो डेट पास हो गई अगर आपको फिर भी कॉल नहीं आ रहा है तो जस्ट लीव इट, कोई और एयरलाइन में ट्राई कर लो। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो अक्टूबर और नवंबर में थे उन लोगों को कॉल आना चालू हो गया है, मेरी एक फ्रेंड थी जिसने अक्टूबर में इंटरव्यू दिया था, उसको कॉल आया आई थिंक अराउंड जून के महीने में, जस्ट कल ही उसने फोटो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे कि उसको यूनिफॉर्म्स मिल गए हैं, तो ऑलरेडी नवंबर वाले भी आई थिंक उन लोगों को बैचेस मिल गए हैं, तो आई थिंक अगर आपने कहीं जनवरी फरवरी में इंटरव्यू दिया है तो पेशेंटली थोड़ा प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको भी ज़रूर जो है वो कॉल आने लग जाएगी। इसके अलावा बहुत से सवाल ये भी हैं कि हायरिंग क्यों नहीं हो रही है लोगों की एट ऑल, कुछ भी हायरिंग क्यों नहीं हो रही है, हायरिंग क्यों होगी आप बताओ, ऑलरेडी जेट के एम्प्लॉय को ले लिया है, उसके अलावा नई हायरिंग करके मतलब क्या, जो पुराने लोगों को भी अभी तक कॉल्स जा रहे हैं तो नए लोगों को इंटरव्यू लेके क्या मतलब है, बता दो गाइस क्या मतलब होगा नए लोगों का इंटरव्यू लेके, जब पुराने लोगों को हायर करवा देंगे जैसे कि अभी कॉल्स और ईमेल्स आना चालू हो गए हैं जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, तो वो लिस्ट वो स्लॉट ख़त्म होगा तभी तो कुछ नई हायरिंग आएगी ना। इसके अलावा और भी क्वेश्चन था कि अगर फ्रेशर्स को नहीं ले रहे हैं, इंटरव्यू आ नहीं रहा है, तो स्पाइस स्टार अकेडमी के लिए हायरिंग क्यों हो रही है, वो इसलिए क्योंकि देखो मैं तो स्पाइस स्टार अकेडमी से नहीं हूँ, सबसे पहली बात मैंने ऑल टुगेदर डायरेक्टली इंटरव्यू दिया था, बट दिस इज़ माय अजम्पशन, ये कोई आके बताया नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई फील, स्पाइस स्टार अकेडमी में जो है 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और प्लस स्पाइस स्टार अकेडमी में आप साथ में स्टडीज भी कंप्लीट करते हो, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, हो सकता है कि 6 महीने यू नो 6 मंथ्स डाउन द लाइन जो है ये सारे जो लोग वेट लिस्ट में हैं उनके स्लॉट्स ख़त्म हो जाए तो उस हिसाब से जो है वैकेंसीज कंपनी एयरलाइन वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए शायद हायरिंग चालू है फाइव स्टार अकेडमी के लिए, एंड एज आई सेड उसमें आपका स्टडीज़ का भी हो जाता है, एंड यस ऑब्वियसली इट्स अ गारंटीड जॉब बिकॉज उसमें आपकी ट्रेनिंग के बाद ही आप जो है सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो से आपको पता चले, वंस अगेन गाइज प्लीज़ कोई भी क्रू को हेट कमेंट मत लिखो, प्लीज़ मैसेज करके परेशान मत करो क्योंकि कोई क्रू की गलती नहीं है अगर हायरिंग नहीं हो रही है तो, राइट ये मत बोलो कि तुम लोग ऐसा कैसे, तुम लोग नहीं हम लोग की गलती नहीं है गाइस, आई फील सॉरी फॉर यू वंस अगेन, कहीं और तब तक कि टेम्परेरीली आप ट्राई करो जॉब के लिए या फिर एग्जिस्टिंग जॉब को मत छोड़ो, और आई एम श्योर आपको भी कॉल आ जाएगी जैसे लोगों को कॉल आना चालू हो गया है, और द वीडियो एंड्स ओवर हियर, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पाइसजेट में, इट्स रियली ग्रोइंग वेरी फास्ट, प्लीज़ गो फॉर इट, ग्राउंड में या क्रू में जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी गाइस एंड आई विल कनेक्ट विद यू ऑल वेरी सून।